राम राम सभी किसान भाइयों, किसान साथियों। आज अपने एक प्रोडक्ट की चर्चा करेंगे, मल्टीप्लेक्स का क्रांति। क्रांति क्या चीज़ है, क्या काम करता है, इसकी कितनी डोज है, कौन सी फसल में इसका स्प्रे कर सकते हैं और कब कब इसका स्प्रे अपने को करना चाहिए और कितनी मात्रा में करना चाहिए, टोटली अपने डिटेल से बात करेंगे भी इसका कब अपने को यूज है वो करना चाहिए। तो वीडियो बने रहिए, पूरी वीडियो को देखें, वीडियो को स्किप मत करें ताकि आपको एक अच्छी जानकारी है वो मिल सके। हम इस चैनल के माध्यम से आगे आने वाली और भी जो नए प्रोडक्ट है उनकी डिटेल से आपको बताएंगे कितना करना चाहिए, कितनी मात्रा में, क्या इसकी कॉस्ट है। तो उससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड कलर के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास लगे घंटे के बटन को भी दबा दें ताकि हम जो भी नई वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों को शेयर करें। तो किसान भाइयों शुरू करते हैं अपने, सबसे पहले बात आती है मल्टीप्लेक्स क्रांति में है क्या। क्रांति एक मल्टीप्लेक्स का ये प्रोडक्ट है कर्नाटक एग्रोकेमिकल का। इसके अंदर मेजर न्यूट्रेंट, सेकेंडरी न्यूट्रेंट और माइक्रो न्यूट्रेंट होते हैं। इसके अंदर जो फसल को अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए 16 प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जिसके अंदर इसके अंदर 12 पोषक तत्व इसके अंदर है और 3 जो पोषक तत्व है CHO वो अपने को हवा, पानी और मिट्टी से मिल जाते हैं। इसके अंदर नाइट्रोजन भी है, फास्फोरस भी है और पोटास भी है जो मेजर न्यूट्रेंट के अंदर। उसके बाद में बात आती है सेकेंडरी न्यूट्रेंट, सेकेंडरी न्यूट्रेंट के अंदर कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर है। माइक्रो न्यूट्रेंट की बात करें तो जिंक है, कॉपर है, बोरोन है, फेरस है, मोलिब्डेनम है और मैग्नीज है। और इसका अपने यूज है वो सभी प्रकार की जो फसलें हैं उसकी ग्रोथ बढ़ाने के लिए, उसके अंदर जो ज़्यादा से ज़्यादा फल फूल बनने की प्रक्रिया है उसके अंदर इसका यूज है वो अपने कर सकते हैं। अगर कोई फसल अपनी छोटी है तो उसके अंदर अपने जो शुरुआती अवस्था के अंदर 25 से 30 दिन पर पहला स्प्रे अपने कर सकते हैं। पहला स्प्रे करने के लिए इसकी जो डोज रखनी है वो अपने को रखनी है 2 से 2.5 ml पर लीटर वाटर के हिसाब से इसका डोज रखना है। फर्स्ट स्प्रे आप 30 से 35 दिन पर आप कर सकते हैं और उसके बाद में आप 2 या 3 स्प्रे, 4 स्प्रे आप रिपीट भी कर सकते हैं। इसका जो गैप रखना है फर्स्ट स्प्रे का से उससे आपको 15 दिन का, फर्स्ट से सेकंड स्प्रे का गैप है वो 15 दिन रखना है। बहुत अच्छा प्रोडक्ट है इसमें आपको, ये आप कर रहे हो ये आप किसी भी फंगीसाइड, इंसेक्टीसाइड, थायोमेथोक्साम है या डाइमेथोइट है, पोनोक्रोटोफॉस है, किसी भी फंगीसाइड है, कार्बनडाइजेम, मैनकोजेब, थायोफिनिन मिथाइल, सभी के साथ अपने कर सकते हैं। इसके अंदर कंप्लीट प्लांट फूड होता है, जो फसल को सारी न्यूट्रिशन चाहिए वो इसके अंदर होता है और इससे पौधे की जो वृद्धि होती है उसके साथ साथ फल फूल बनने की प्रक्रिया वो तेज़ी से होती है, पौधा है वो ग्रोथ भी अच्छे से करता है। तो ये थी किसान भाइयों मल्टीप्लेक्स के क्रांति पे जो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों को शेयर करना ताकि सभी किसान भाइयों तक एक अच्छी जानकारी है वो पहुँच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।